हेलो फ्रेंड्स, मैं आप स्वागत करता हूं आपका राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम सेकेंड टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। दोस्तों, इस लॉकडाउन के समय में ये हमारा वीडियो हमारे सारे एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों तक पहुँचे, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। प्लीज़ इसको इतना शेयर कीजिए कि हमारी आवाज़ हमारे सभी दोस्तों तक पहुँचे। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। इससे पहले प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय द अनदर एटम। बोला द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम ऑफ सिमिलर साइज इन अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ सोइल क्ले विदाउट डिस्टर्बिंग और चेंजिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल स्टर्मेज। दोस्तों, वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है कि एक एटम से दूसरे एटम में एक सिमिलर साइज में क्रिस्टल की एक स्ट्रक्चर की चेंज के बिना वो चेंज एटम चेंज हो जाए, उसकी स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, आयन एक्सचेंज नहीं होगा, आइसोमरिज्म नहीं होगा, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन तो मे भी हो सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो दोस्तों, आयन एक्सचेंज तो आपको मालूम है, जब दो परमाणु के बीच में जो आयन का एक्सचेंज होता है तो हम उसको आयन एक्सचेंज कहते हैं। जैसे कैटायन एक्सचेंज भी होता है, आपने सुना पढ़ते हैं। दूसरा, आइसोमरिज्म क्या होता है? आइसोमरिज्म दोस्तों, तो आइसोमरिज्म दोस्तों जो होता है कि जब सेम स्ट्रक्चर के, लगभग सेम स्ट्रक्चर के, 100% सेम स्ट्रक्चर नहीं होती है, जब लगभग सेम स्ट्रक्चर के दो परमाणु है या फिर दो स्ट्रक्चर हैं, केमिकल स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि मान लो कि प्रोटॉन और आइसोप्रोटॉन है, तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप है, एक जैसे CH3 है, एक जगह से टूट के दूसरी जगह लग जाए, स्ट्रक्चर इसमें सेम नहीं होती है, बट इसमें जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम होता है। क्या चेंज होता है? सेम होता है केमिकल फॉर्मूला, आइसोमेरिज्म होता है, इसमें स्ट्रक्चर भिन्न होती है, तो ये नहीं होगा। आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, देखो इसमें आइसो बोला है, मतलब एक जैसे, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजिकल एक जैसे बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मतलब उसकी जगह पर कोई दूसरा आ जाए, मीन्स उसका सब्स्टिट्यूट है, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। पॉलीमॉर्फिज्म, उसका मीनिंग होता है पॉली मीन्स बहुत सारे, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजी, जिसके बहुत सारे अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी हो उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको सबसे अलग दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज बींग यूज इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी ट्रीटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले राइजोबियम फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं होगा, राइजोबियम नहीं होगा। देखो, सबसे आप याद रखिए, राइजोबियम का जो ट्रीटमेंट होता है सबसे लास्ट में होता है बायोफर्टिलाइजर का, क्यों मैं आपको बताऊंगा। फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम में भी हो सकता है, इंसेक्टिसाइड राइजोबियम नहीं होगा। देखो, राइजोबियम क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अगर हम इसको पहले ही फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड से ट्रीट कर देंगे तो ये मर जाएंगे, इसलिए राइजोबियम का ट्रीटमेंट सबसे बाद में होता है। सबसे पहले फंगिसाइड का इसलिए होता है कि ये जो फंगस होता है बहुत माइन्यूट इन सरफेस पर होता है और विद इन सरफेस भी हो सकता है, तो इसको मारने के लिए हम लोग सबसे पहले फंगस डालते हैं।
जबकि इंसेक्टिसाइड क्या होता है, ये इसका जो ग्रेन्स होते हैं जो एक लेयर बनाते हैं, तो ये जो है कि इंसेक्ट्स को सिकन करते हैं, क्योंकि जो अपर सरफेस पे होते हैं बड़े होते हैं तो उनको इजीली अपन किल कर सकते हैं। तो बेस्ट जो सिक्वेंस होता है फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम होता है, राइजोबियम का हम सबसे बाद में ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्राइप रस्ट ऑफ बीट। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है बीट तीन तरह के होते हैं, कौन से होते हैं दोस्तों, बीट तीन तरह के होते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे मालूम है कि एक तो अपना स्टेम रस्ट होता है, एक स्ट्रिप रस्ट होता है और एक लीफ रस्ट होता है। तो ये तीनों रस्ट होते हैं और इसमें मोस्ट ऑफ आई थिंक तीनों रस्ट के मुझे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, लेकिन लेकिन हमको सबसे पहले देखना है जो स्ट्रिप रस्ट होता है, स्ट्रिप रस्ट, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है इसमें। येलो स्माइल स्फेरिकल टू ओवल, ओवल स्ट्रक्चर इसमें नहीं होते हैं, और दूसरा येलो ब्राउन इलोंगेटेड रप्टेड प्लस सेरोसोन ये भी नहीं है दोस्तों लीफ शीट पे। थर्ड ब्राउन स्फेरिकल टू ओवल रप्टेड अंडर पोस्टल ऑन लीफ ये हो सकता है, अंडर पोस्टल ऑन लीफ हो सकता है। ब्लैक टीलियस, दोस्तों ब्लैक तो होता ही नहीं है इसमें। तो हमारा जो आंसर है वो येलो स्मॉल स्फेरिकल टू ओवल रिफ्लेक्ट अंडर पोस्टल्स रो ऑफ लीव्स ये भी हो सकता है। तो दोस्तों इस पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो स्ट्रिप्स होता है इसको येलो रस्ट बोलते हैं, बाकी में सब में अलग अलग हो रहा है। तो अगर येलो रस्ट में हम इसको देखते हैं तो इसका जब सबसे बेस्ट जो है एग्जाम्पल वो यही होगा, येलो होता है, ये स्मॉल्स एंड स्पेरिकल्स टू ओवल ओवल हो जाते हैं, रप्टेड रप्चर्ड यूरिडो पोस्टुल्स इन रो ऑफ लीफ। तो दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर, इसको याद रखिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप एंड एंड वेराइटी एंड सिलेक्टेड सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि इनमें से सब करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। दोस्तों हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि जो तीन तरह के रस्ट होते हैं, एक हमने स्टेम रस्ट, लीफ रस्ट, और ये तीन रस्ट जो होते हैं ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट। तो आपको हमें ये कमेंट करके बताना है कि इसमें से ब्लैक रस्ट कौन सा होता है, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बार्ले का क्रिपर सही है, कॉटन का सुजाता सही है, काउपी का पूसा फाल्गुनी सही है, ग्रीन ग्राम का उपासी 120 गलत है। दोस्तों तो जो ग्रीन ग्राम का पेयर है ये गलत मैच हुआ है। आपको बता दूं कि जो यूपीएस 120 जो वरायटी है ये पिजन पी की वरायटी है, किसकी है दोस्तों, अरहर की वरायटी है, तुअर की जो दाल होती है उसकी वरायटी है। और आपको मालूम है ग्रीन ग्राम किसको बोलते हैं, अपन मूंग को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मूंग को बोलते हैं। तो ग्रीन ग्राम मूंग होता है और इसको रेड ग्राम बोलते हैं अपना, रेड को, तो ये रेड ग्राम की वैरायटी है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर रेंजेस फॉर टेलरिंग स्टेज इन वीट। अब आपको हम बताते हैं कि टेलरिंग स्टेज कब आती है दोस्तों, ये टेलरिंग स्टेज आती है अपने लगभग दिसंबर में। तो टेलरिंग स्टेज लगभग कब आती है दोस्तों, तो इस समय जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। तो दोस्तों इसमें से 20 से 23 और 23 से 25 ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही हट जाएंगे। तो हमको जो इसमें देखना है कि टेलरिंग स्टेज का जो सही आंसर क्या है दोस्तों, इसमें लगभग 16 से 20 डिग्री, अभी 10 से 15 तो बहुत ही कम हो गया, तो ये जनवरी का टेम्परेचर हो गया लगभग, और ये थोड़ा सा ज़्यादा पहले का या बाद का हो गया, तो ये 20 इज द करेक्ट आंसर। देखो दोस्तों लॉजिक लगाना सीखिए, लॉजिकल अगर आप सोचेंगे तो आप मान लो कि आप 100% सही जाएंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच डज नॉट इंटर इन टू द परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट इज। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है
जो कि परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन में नहीं जुड़ता है। तो नाइट्रोजन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता ही है दोस्तों, फॉस्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम जो होता है दोस्तों, जो ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशंस नहीं बनाता है। याद रखिए, आपको मालूम है यूरिया तो पहले से ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आता है, भले ही ये टॉक्सिक इसका सिम्टम्स होता है, लेकिन इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो पोटेशियम इज द नो ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशंस में कभी नहीं होता है। पोटेशियम याद रखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो पोटेशियम की डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं वो सबसे पहले कौन सी लिप्स में शो होते हैं, प्लीज इसको कमेंट करके बताइए। द प्लेट्यू विथ लिटिल ग्रोथ रेट एंड कंटिन्यूइंग एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, बोलता है बहुत कम ग्रोथ रहता है और इसमें क्या है कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट का वो भी कंटिन्यू है। एलिमेंट इन प्लांट्स, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इन प्लांट कैन बी डिफाइन एज, वो बोला है एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट इन द प्लेट्यू कैन बी डिफाइन एज। तो दोस्तों वो बोल रहा है कि प्लांट में न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन बहुत है, सही है, लेकिन ग्रोथ रेट कम है। तो एक केस में सीवियर डिफिशियंसी में नहीं आएगी, टॉक्सिक रेंज में नहीं आएगी, मॉडरेट डिफिशियंसी में नहीं आएगी, सफिशियंट रेंज में आएगी। तो दोस्तों ये इसका क्या कारण होता है कि सफिशियंट रेंज में आएगी? तो दोस्तों लिटिल ग्रोथ, ग्रोथ तो कई चीज़ों से भी कम हो सकती है, ज़रूरी है कि न्यूट्रिएंट की कमी से कम हो रही है, और भी कई सारे इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट इन सॉइल एग्रीगेट फॉर्मुलेशन इज। तो दोस्तों सीमेंटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं सॉइल में जो फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं? लिपिड, प्रोटीन एंड प्रोटीन डेरिवेट्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो दोस्तों इसमें कौन से हो सकते हैं आपके हिसाब से? तो लिपिड्स होते नहीं है दोस्तों, लिपिड कहाँ होते हैं आपको, लिपिड कहाँ होते हैं बताइए? प्रोटीन्स भी नहीं होंगे, प्रोटीन्स प्रोटीन डेरिवेट्स भी नहीं होंगे, पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स ये भी ये होते हैं, लेकिन ये सीमेंटिंग नहीं होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड, क्योंकि ये चिपचिपे होते हैं तो ये सीमेंटिंग ऐसे व्यवहार करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, पॉलीसेकेराइड इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आपके हर एक क्वेश्चंस के डाउट को हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है वो किस चीज के लिए करते हैं हम, सीड प्योरिटी, सीड जर्मिनेशन, सीड वायबिलिटी, सीड क्वालिटी? देखो दोस्तों दो टेस्ट हम बहुत बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कौन सा है? एक ग्रो आउट टेस्ट और एक टेट्राजोलियम टेस्ट। और सीड जर्मिनेशन टेस्ट भी हम करते हैं, अगर काउंटिंग करके करें तो वो सीड की जर्मिनेशन के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ जो टेट्राजोलियम टेस्ट का जो बोल रहा है तो इसको किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है सीड वायबिलिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? सीड वायबिलिटी के लिए। सीड प्योरिटी तो हम किस में कैसे चेक करते हैं दोस्तों, कि इसमें इनर मैटर कितना है, फिजिकल कितना है, अदर सीड अदर मैटर कितना है, वीट सीड कितना है, ये सीड प्योरिटी हो गई। सीड जर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं आपको मालूम है, जो कि पेटी डिश में करते हैं, काउंटिंग करके सीड डाल देते हैं कितना परसेंट जर्मिनेशन है, वो सीड जर्मिनेशन करते हैं। सीड क्वालिटी में क्या आता है दोस्तों? सीड क्वालिटी में आता है उसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी है, उसकी सारी क्वालिटी, जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज आ जाएंगी कि सीड की क्वालिटी कैसी है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, और तो ये सारी चीज किस में आ जाएंगी? सीड क्वालिटी में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ट्रू पोटैटो सीड इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर प्लांटिंग। दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 100 ग्राम इज इनफ, कहीं कहीं आपको 125 ग्राम भी मिल जाएगा, तो 100 ग्राम इज इनफ। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोथ बीन इन इंडिया इज। दोस्तों हम आपको क्वेश्चन और बताते हैं कि सीड ट्यूबर
पोटैटो की कितना क्विंटल सीड ट्यूबर 1 हेक्टर प्लांटिंग के लिए आवश्यक होता है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कर लिख के बताइए। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोथ बीन इन इंडिया इज, दोस्तों सबको मालूम है राजस्थान है, मोथ बीन के लिए कौन सा है? राजस्थान। और जो सोयाबीन के लिए है एमपी है, क्यों सोयाबीन के लिए एमपी है। द सीड रेट ऑफ सेशमम इज, तो दोस्तों सेशमम का सीड रेट कितना है? ये आप सबको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कितना है इसका? 3 से 4 केजी सेशमम का सीड रेट है। तो दोस्तों सेशमम का बॉटनिकल नेम क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया इज द स्टेट ऑफ, मस्टर्ड के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके बारे में पूछ रहा है? मस्टर्ड के बारे में पूछ रहा है। तो मस्टर्ड सबसे ना कहाँ होती है? भरतपुर राजस्थान एरिया में। तो सबसे ज्यादा ना इसका क्या है? राजस्थान है। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये आप इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जैसे कि भरतपुर में इसका एनआरसी है सोयाबीन का, उस सॉरी मस्टर्ड का, तो ये आपको एक और क्वेश्चन मिल गया। द फ्रूट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड इज नॉन एज, अब आप देखिए दोस्तों जो फ्रूट होता है रेप सीड मस्टर्ड का, आपने देखा ही होगा कैसा होता है, पोड नहीं होता है, ग्रेन नहीं होता है, कोरिफेस नहीं होता, सिलिकवा होता है। कैसा होता है दोस्तों? सिलिकवा होता है। तो आप इसको याद रखिए, सिलिकवा होता है। आपने जो उसमें रेडिस में जो बाजार बेचने आती है सेंगरी, वो भी सिलिकवा होता है, उसको सेंगरी बोलते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द इनहेरिटेंस कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई द प्लांट न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट एंड सूटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है दोस्तों। इसमें सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये इनहेरेंट कैपेसिटी है दोस्तों। तो ये क्या है? सॉइल फर्टिलिटी है। क्या है? सॉइल फर्टिलिटी है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉइल फर्टिलिटी है। तो दोस्तों सॉइल फर्टिलिटी के बारे में हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है। कि देखो सबसे पहले इनहेरेंट कैपेसिटी कहीं आ जाती है तो वो सॉइल फर्टिलिटी है। क्या है? इनहेरेंट कैपेसिटी। और जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है तो वो क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस द पर यूनिट एरिया, तो वो सॉइल की होती है। हम इसको कैसे? पर हेक्टेयर, पर एकड़, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इनहेरेंट कैपेसिटी में उसको हम लोग कभी नहीं, जो वर्ड आपको इनहेरेंट कैपेसिटी दिख गया, आप इनहेरेंट कैपेसिटी जो वर्ड दिख गया, आप आंख बंद करके सोइल फर्टिलिटी आंसर लगा दीजिए। तो ये आपके लिए एक पॉइंट और कंसेप्ट था। तो दोस्तों बाकी सोइल फर्टिलिटी के और क्या हुआ है? इट इज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट। सोइल फर्टिलिटी क्या होती है? कि इंडेक्स है किसका? अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट का, के सप्लाई एडुकेट अमाउंट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एडुकेट अमाउंट में नहीं हो रहा है तो हम उसको सोइल फर्टिलिटी भी नहीं बोलेंगे। तो एक एक इंडेक्स है किसका? अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट का। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट वाज गिवन बाय, तो दोस्तों आर्नल्ड एन स्टाउट ने दिया था। किसने दिया था? ये आर्नल्ड एन स्टाउट ने दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड लीव और मॉडिफाइड फ्लावर। तो दोस्तों आपको पता है जो पोटैटो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम है। आपको मालूम है कि उसमें जो बर्ड्स होते हैं वही ग्रो होते हैं। तो ये स्टेम्स, इसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड भी होते हैं। तो दैट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। द मेथड ऑफ इरीगेशन एम्प्लॉयड वेदर सरफेस इज अंडुलेटिंग, तो आपको मालूम है दोस्तों अंडुलेटिंग सरफेस के लिए फ्लड तो हम कभी नहीं कर सकते, पानी एक तरह ही चला जाएगा। स्प्रिंकलर हम कर सकते हैं, ड्रिप भी कर सकते हैं, बट थोड़ा डिफिकल्ट। सरफेस इरिगेशन कभी नहीं कर सकते, तो स्प्रिंकलर इज द बेस्ट ऑप्शन। तो बी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट है द डेप्थ ऑफ सोविंग ऑफ बाजरा इज, तो दोस्तों जो डेप्थ ऑफ सोविंग है बाजरे की वो कितनी होना चाहिए? तो जो बोलते हैं कि जो उसका सीड का सीड होता है उसके अनुसार हम डेप्थ डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या है? 1 से 2 सेंटीमीटर है।
तो ये उसके सीड के अनुसार होता है। विच इज जनरली यूज फॉर करेक्टिंग सोइल एसिडिटी। तो दोस्तों इसमें सोइल एसिडिटी की बात कर रहा है, जिप्सम, लाइम, आयरन फेराइटेज। तो दोस्तों जो जिप्सम होता है उसको हम किस में यूज करते हैं, जो अल्कली सॉइल होती है उसको रिक्लेमेशन के लिए क्या करते हैं, हम जिप्सम को यूज करते हैं। सोडिक सॉइल में भी कर सकते हैं। और अगर हमको एसिडिटी को करेक्टिंग ऑफ सोइल एसिडिटी करना है तो हम किसको यूज करेंगे, लाइम को। क्यों, लाइम क्षारी होता है। लाइम क्या होता है, क्षारी होता है। तो एसिड और क्षार मिलाकर क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोविंग अ कैच क्रॉप इज। तो दोस्तों कैच क्रॉप हम क्यों ग्रोविंग के एड मोर एसिड्यूज नहीं करेंगे, प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ सोइल नहीं, सब सप्रेस वीडियो नहीं, गेट एडिशनल इनकम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एडिशनल इनकम के लिए हम कैच क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बायोरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट बी एक्सीड कितने परसेंट अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंटेंट। तो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से दोस्तों, 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बंड फॉर्मर इज यूज फॉर मेकिंग। बंड फॉर्मर आपको पता, बंड बनाना है तो इसके किस लिए करेंगे, रिजेज और बंड के लिए करेंगे, ऐसा फ्यूरोज के लिए, सोल स्मूथ करने के लिए तो नहीं करते हैं। तो रिज एंड बंड बनाने के लिए बंड फॉर्मर का यूज करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। तो दोस्तों एक जैसे मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए कौन से फोर्स लगता है, एडेशन तो कौन सा होता है दोस्तों, डिफरेंट फोर्स के लिए होता है, मैट्रिक फोर्स नहीं होता, कोहेजन फोर्स जरूर होता है सेम पार्टिकल के लिए। कौन सा होता है, कोहेजन, मीन्स वाटर से वाटर को बांधना है तो कोहेजन फोर्स लगेगा, सोल से सोल पार्टिकल के लिए कोहेजन फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर लिमिट ऑफ सोयल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट। अपर लिमिट बोल रहा है, इजीली मिल जाए, अपर लिमिट ऑफ सोयल मॉइस्चर अवेलेबल। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि अपर लिमिट क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, फील्ड कैपेसिटी नहीं, हाइग्रोस्कोप वाटर होगा, मेट्रिक हाइग्रोस्कोप क्वेश्चन फील्ड कैपेसिटी। तो वी इज द, जो फील्ड की कैपेसिटी क्या होता है दोस्तों, अपर लिमिट होता है, मीन्स फील्ड की जो कैपेसिटी होता है, फील्ड कैपेसिटी वाटर जो होता है उसका अपर लिमिट बोलते हैं। और लोअर बिल्ट तो क्या होगा, लोअर लिमिट तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, कम से कम अवेलेबिलिटी होगी तो बिल्टिंग सिम्टम शो करेगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों समझ लीजिए दोस्तों, अपर लिमिट फील्ड कैपेसिटी और लोअर लिमिट परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। अ डिवाइस फॉर मेजरिंग रिपरकुलेशन एंड लीचिंग लॉस फ्रॉम द कॉलम ऑफ सॉइल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो दोस्तों ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं जो कंट्रोल्ड कंडीशन में परकुलेशन को, लीचिंग को मेजर करता है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइसीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइसीमीटर बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो सारे आपको मीटर से याद होने चाहिए, कोई ना कोई मीटर एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैलिब्रेटेड डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्लो एंड वाटर इन ओपन कंडक्ट इज नोन एज। तो दोस्तों इसको वाटर मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर मीटर बोलते हैं। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, वाटर मीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज नोन एज। डेप्थ और वाटर टेबल की बात हो रही है, किसकी दोस्तों, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल की बात हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइसीमीटर नहीं बोलेंगे तो, परकुलेशन वाला ओडोमीटर नहीं बोलेंगे तो, सीजोमीटर बोलते हैं। डेप्थ के लिए कौन सा होता है दोस्तों, सीजोमीटर होता है। कौन सा होता है, सीजोमीटर होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज इज। तो हाइब्रिड मेज की सीड रेट कितना होता है दोस्तों, 20 से 25, 18 से 20, 30 से 35, ज्यादा हो गया, 10 से 15 कम रह गया, ये भी थोड़ा कम रह गया, 15 से 20 इज द करेक्ट आंसर। 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर सीड्स इज रिक्वायर्ड फॉर मेज। द बॉटनिकल नेम ऑफ रागी इज। तो दोस्तों रागी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, इल्यूशन
इलिशान कोरा कहना होता है दोस्तों। क्या होता है? कोरा कहना। तो आप याद रखिए, तो बॉटनिकल नेम है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम। तो आपको पता है दोस्तों, जो चना होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन से पेस्ट का प्रॉब्लम होता है? पोड बोरर, इल्ली जिसको बोलते हैं ना, पोड बोरर। तो दोस्तों वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो याद रखिए, इज द करेक्ट आंसर द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंड नट। दोस्तों बहुत ज़्यादा है, कभी कभी सर ऑयल कंटेंट पूछ लेते हैं, कभी प्रोटीन कंटेंट पूछ लेते हैं। द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट तो कितना होता है दोस्तों? इसमें 40% ऑयल होता है। कितना? तो ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट हमें सिक्वेंस में देखना है। 20-50 नहीं होगा, 26-45 नहीं होगा, 45-26 यही होगा, क्योंकि सबसे ना क्या पूछा, ऑयल कंटेंट 45% और प्रोटीन कंटेंट 26%। सी इज द करेक्ट आंसर। राइजिंग ऑफ क्रॉप विद द लीस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड एज मिनिमम टिलेज। दोस्तों जहाँ कम से कम टिलेज की आवश्यकता होता है उसको लीस्ट टिलेज बोलेंगे, मिनिमम टिलेज देंगे, और जहाँ जीरो टिलेज आती है वहां पर हम सिर्फ सीड बेड ओपन करने के लिए टिलेज हम करते हैं। फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट। दोस्तों पोटेशियम फर्टिलाइजर है, कौन सा है? पोटेशियम फर्टिलाइजर के लिए हम पूरी तरह से इम्पोर्ट पर डिपेंड है। किसके लिए दोस्तों? पोटेशियम फर्टिलाइजर। बाकी फर्टिलाइजर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब आप याद रख लीजिए, अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कौन सा फर्टिलाइजर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो पोटेशियम फर्टिलाइजर हम मोस्टली इम्पोर्ट करते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम्स द ग्रोथ रेट ऑफ। तो दोस्तों 4 से 5% ग्रोथ पर एनम इस पर आँकते हैं, कहीं कहीं आपको 5 भी मिल जाएगा ना, कि 4 इज द बेस्ट आंसर। 4% हम क्या है ग्रोथ रेट देखते हैं। विच इज द लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट। दोस्तों गुजरात है, यूपी गेहूं वगैरह के लिए है, राजस्थान दालों के लिए है, और हरियाणा, हरियाणा में बहुत सारी चीज़ें हैं दूसरी तरह की, जिस तरह से हम गेहूँ भी बहुत अच्छी तरह से होता है, धान भी बहुत अच्छी तरह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग हेल्प इन द स्टडिंग इज क्रॉप्ड एरिया सोइल कैरेक्टर्स अंडुलेटिंग एरिया ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। जो रिमोट सेंसरिंग होता है दोस्तों, ये किसके लिए होता है? कि हम इसमें सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकें। सैटेलाइट फार्मिंग भी इसको बोलते हैं। सनफ्लावर एक्ट एज द इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोज द डिफिशियंसी ऑफ। सनफ्लावर बोरोन के लिए होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जो सनफ्लावर होता है वो बोरोन की डिफिशियंसी तुरंत शो करता है, और जैसे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से बहुत सारे प्लांट छोटे रह जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, क्यों नाइट्रोजन डिफिशियंसी जल्दी से उनको शो करेंगे। तो इस तरह से ये क्या है दोस्तों, एक इंडिकेटर होते हैं प्लांट्स, क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसिडर एज अ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट। दोस्तों सल्फर फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन है, जिंक है, कार्बन फर्टिलाइजर थोड़ी होता है, कौन नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है। द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग बीन इज द नॉन एज। तो दोस्तों आपने मूंग बीन का जर्मिनेशन देखा है, एपिजियल जर्मिनेशन होता है। तो दोस्तों एपिजियल जर्मिनेशन क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। जब जर्मिनेशन के जो कॉटिलेडन जो होते हैं सॉइल के ऊपर आ जाए साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, पिजल बोलेंगे। अगर नीचे रह गए और सब पत्ती बाहर आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। तो इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोन फिक्सेशन इन सोयाबीन इज। तो दोस्तों जो सोयाबीन के लिए नाइट्रोन फिक्सेशन के लिए कौन सा होता है, जापोनिकम होता है। कौन सा होता है? सी इज द करेक्ट आंसर, जापोनिकम होता है। याद रखिए दोस्तों, राइजोबियम जापोनिकम सोयाबीन में यूज होता है। सेसेमम बिलोंग टू द फैमिली। तो दोस्तों आपको पता है जो सेसेमम है वो किस 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 कुल में आता है सेसेमम? दोस्तों इसको इसीलिए पूछते हैं कि एक डिफरेंट फैमिली है, तो ये पेडलेसी में आता है। किस में आता है? पेडलेसी में आता है, इसीलिए इसको पूछा जाता है। तो ये सेसेमम को आप याद रखिए, सेसेमम आया तो पेडल मार दो उसमें। फ्लूक्लोरिन कैन बी यूज इन सोयाबीन एज द। तो दोस्तों ये प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन होता है, प्री इमर्जेंट नहीं लगाना है आपको, प्री इमर्जेंट नहीं लगाना है, पोस्ट इमर्जेंट तो यही नहीं। तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो कौन सा है? फ्लूक्लोरिन होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। टॉपिंग ऑफ सनफ्लावर प्लांट इज बेनिफिशियल टू
टू इंड्यूस लॉजिंग, टू प्रमोटिंग ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग, टू रिड्यूस द वाटर लॉस। तो दोस्तों जो सनफ्लावर में टॉपिंग करते हैं वो किसके लिए हेल्पफुल होता है, ये किसके लिए, प्रमोट ब्रांचिंग। अगर हम अगर जो क्या होता है एपिकल डोमिनेंस को खत्म करता है टॉपिंग को, तो प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड मे बी डन विथ, तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड से होता है। आपको अच्छे से, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। डीलिंटिंग कैसे करते हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टर फॉर कॉटन हैज एस्टिमेटेड, तो दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कॉटन कितना होता है। 25 बहुत कम रहेगा, 30 60 या कम रहेगा, 50 80 हज़ार हो सकता है, 80 से 1 लाख। तो ये जो सी है, 50 से 80 हज़ार प्लांट्स पर हेक्टेयर होता है, किसके लिए, कॉटन के लिए 50 से 80 हज़ार प्लांट होता है। द इंसेक्ट बॉलवर्म इज कॉमनली फाउंड ऑन, तो दोस्तों बॉलवर्म किस में होता है, कॉटन में होता है, मीज में तो होता नहीं है, बीट राइस में वैसे भी नहीं होता है। ये तो बहुत सिंपल ऑप्शन है। स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस बाय, स्टोमेटा क्लोजिंग किससे, इसमें कौन सा ऐसा केमिकल है जिससे स्टोमेटा क्लोजिंग और इंड्यूस किया जाता है। तो आपको पता है इसको एंटी ट्रांसपेरेंट जैसे यूज करते हैं। तो ये है स्टोमेटा क्लोजर, कौन सा है, पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज फॉर इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा होता है दोस्तों, जो उसका होता है, इसको बोलते हैं टेजलिंग स्टेज। दोस्तों देखो टेजल जब बनते हैं तब सबसे ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत होती है। टेजल क्या होते हैं, मेल फ्लावर्स, तो जो सिल्क सिल्किंग स्टेज आती है तो फीमेल फ्लावर्स का तब हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन टेजल टाइम पर ज़्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड फर्टिलाइजर एज प्रोडक्शन फैक्टर इन क्रॉप इज, तो जो रिलेशन बिटवीन वाटर एंड फर्टिलाइजर एस प्रोडक्शन फैक्टर, तो फर्टिलाइजर और जो इसका जो प्रोडक्शन फैक्टर है वो कैसा होना चाहिए दोस्तों। तो जो एडिटिव तो होगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे को बढ़ा थोड़ी देंगे, बट सिनर्जेटिक होना चाहिए, एक साथ काम करने वाले, एक दूसरे की हेल्प करके काम करने वाले। तो ये कैसा होता है, सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है। ग्रोविंग ऑफ कोकोनट, ब्लैक पेपर एंड जिंजर, देखो दोस्तों कोकोनट बहुत ऊंचा हो गया, उस पर फिर ब्लैक पेपर हो गया, जिंजर पर नीचे रह गया। मीन्स मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग के बारे में सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है। रिले क्रॉपिंग नहीं होगा, इंटर क्रॉपिंग नहीं होगा, मल्टी क्रॉपिंग नहीं होगा, और मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। स्टीवेंसन स्क्रीनिंग इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। स्टीवेंसन मैं तो इसको बता ही दूंगा किसके लिए होता है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों घर में रहिए, सेफ रहिए, और कोरोना के इस महामारी में आप बाहर नहीं जाइए, गवर्नमेंट के नियमों का पालन करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।